हेलो, वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है वेस्ट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं वेस्ट क्या होता है। वेस्ट होता है अनअवॉइडेबल बाय प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट ह्यूमन एक्टिविटी। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है उसमें जो बाय प्रोडक्ट अनअवॉइडेबल बाय प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं वेस्ट। यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स लिखे हैं वेस्ट के। सबसे पहले पढ़ेंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है। ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये वो वेस्ट होता है जो हमारे घर से, ऑफिस से, होटल से, शॉप से, स्कूल से, इन जगह से जो वेस्ट निकलता है उसको बोलते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इसको शॉर्ट में लिखते हैं MSW। मेजर कंपोनेंट इसमें जो होता है वो होता है फूड वेस्ट, पेपर रहते हैं, प्लास्टिक्स, रैग्स, कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े या मेटल या गिलास, ये मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं ऐसे वेस्ट में जो इनसे ऑफिस या हाउस होल्ड से निकलते हैं। इनमें जो ये जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होते हैं इसमें बहुत कम हजारस वेस्ट होते हैं। कुछ हैज़ार्ड्स मैंने यहाँ पे देखे हैं, लिखे हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स, उसमें हैज़ार्ड्स मटेरियल प्रेजेंट होता है, या बैटरीज, उसमें भी हैज़ार्ड्स मटेरियल प्रेजेंट होता है, या डिस्कार्डेड मेडिसिन। दूसरा जो टाइप आता है वेस्ट का वो आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसमें क्या आता है, पेपर पैकेजिंग मटेरियल जो इंडस्ट्री में पैकेजिंग मटेरियल लगता है वो वाला वेस्ट, या वेस्ट फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग, जैसे हम फूड पैकिंग या प्रोसेसिंग करते हैं पॉलिथीन में किसी डब्बे में, तो वहाँ से भी कुछ कचरा निकलता है। तो ऑयल्स, सॉल्वेंट्स, रेजिन्स, पेंट्स, गिलासेस, सिरेमिक्स, मेटल एंड एट्सेट्रा। ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ये बहुत ही, इसमें बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस मटेरियल होते हैं जो हमारे लिए एज वेल एज एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। नेक्स्ट जो वेस्ट होता है वो होता है एग्रीकल्चर वेस्ट, मतलब ऐसा वेस्ट जो हमारे खेतों से निकल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ मैंने लिखा एनिमल वेस्ट, काउडंग या कुछ जो होता है गाय वाय से जो निकलता है वेस्ट, पैडी, हस्क, सिट्रा, सॉडस्ट, चारकोल, ये कुछ वेस्ट्स हैं जो हमारे एग्रीकल्चर से निकलते हैं। लेकिन इनके साथ साथ में ये जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है इसमें कुछ हैज़ार्डस कंपोनेंट्स भी होते हैं या हैज़ार्डस वेस्ट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये बहुत ही खतरनाक नुकसानदेह करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, एज वेल एज हम लोगों को इनडायरेक्टली भी करते हैं। क्योंकि जब हमें ये जो एग्रीकल्चर्स होते हैं इनमें को हमें फंगिसाइड का स्प्रे करना होता है डिजीज़ के लिए, या हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड, वो क्या ऑटोमेटिकली या तो वो ग्राउंड वाटर में आ जाते या हमारी सब्जी से होके हम लोगों में भी वो आ जाता है। नेक्स्ट वेस्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को बोलते हैं ई वेस्ट। ये ऐसा वेस्ट है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो जो वेस्ट होता है उनको जो जिनसे जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से जो वेस्ट आता है उनको बोलते हैं ई वेस्ट या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहाँ कहाँ से आता है, टीवी से, जो पुराने टीवी हम डिस्कार्ड कर देते हैं, या कंप्यूटर से, या कॉपियर होता है फोटो कॉपी, या फैक्स मशीन, ऐसे कुछ चीज़ें जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, यहाँ पे जब हम इनको डिस्कार्ड करते हैं तो यहाँ पे भी वो एज अ वेस्ट होता है। इनमें बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जो ह्यूमन के लिए एज वेल एज एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक रहता है। ये जो वेस्ट होते हैं ये जब लैंड फिल करते हैं तो वो क्या करते हैं, कंटामिनेट लीचेड विच पोल्यूट द ग्राउंड, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है जब हम इसको ज़मीन के नीचे डाल देते हैं तो इनमें जो बहुत खतरनाक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो चले जाते हैं हमारे ग्राउंड वाटर में, तो फिर हम वो पीते हैं तो हम लोगों को बहुत सारी डिजीज़ हो जाते हैं उस वेस्ट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए यहाँ पे,
जो सोल्डर्स होते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में, जो सोल्डर्स यूज़ हो जाता है उसमें यूजुअली लेड प्रेजेंट होता है। तो ये जो लेड होता है ये डैमेज करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को और किडनी को भी। दूसरा जो वेस्ट होता है इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से, फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड है, इसमें जो मदरबोर्ड जो होता है इसमें एक एलिमेंट होता है बेरिलियम, बी लिखा मैंने चार्ट में। तो ये जो बेरिलियम होता है ये कार्सोजेनिक होता है। कार्सोजेनिक वो सबस्टेंस होता है जो कैंसर कॉज करता है। तो ये दूसरा, एक तो एक कार्सोजेनिक होता है, दूसरा स्किन डिजीज कॉज करता है, फॉर एग्जाम्पल वाट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका मैनेजमेंट, वेस्ट का मैनेजमेंट। थैंक यू।